नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट दी ओशन एनर्जी. ओशन एनर्जी के बारे में हमने पढ़ा था. हमने टाइडल एनर्जी को सीखा था और फिर हमने वेव एनर्जी को सीखा था. जो ओशन में वेव उठती हैं उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वी हैव स्टडीड अबाउट दोज एनर्जीज. नाउ उसके बाद एक एनर्जी और होती है ओशन में जो हमने लिखी थी, एंड दैट एनर्जी इज ओशन थर्मल एनर्जी. ओशन थर्मल एनर्जी, तो जैसा ये नाम सजेस्ट करता है, व्हाट इज ओशन थर्मल एनर्जी, वी कैन से ओशन की थर्मल एनर्जी. थर्मल मीन्स हीट एनर्जी. हीट एनर्जी जो ओशन में होती है, दैट एनर्जी इज नोन एज द ओशन थर्मल एनर्जी. और अगर एक डेटा देखें, सो ट्रॉपिकल रीजन्स एब्जॉर्ब ह्यूज अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी. जो ट्रॉपिकल रीजन होते हैं, ट्रॉपिकल रीजन ह्यूज अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, ये उनकी पावर है. ट्रॉपिकल रीजन मींस इक्वेटर के पास वाले रीजन. वह रीजन में क्या होता है, सनलाइट डायरेक्टली फॉल होती है. सो डायरेक्टली फॉल होने की वजह से वो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं. और आप ये जानते हैं कि जो वाटर होता है, वाटर धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ही ठंडा होता है. अगर पूरा दिन धूप रहती है, पूरे दिन इक्वेटर पे जब सनरेज आती हैं, तो धीरे 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 वाटर गर्म होता है. कौन सा वाटर, जो सरफेस का वाटर है. सरफेस का वाटर जो है वो गर्म होता है. एक ओशन है, ओशन के सरफेस में जो पानी होगा वो धीरे धीरे गर्म होगा और बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, बिकॉज कंटिन्यूसली सनलाइट उसके ऊपर आ रही है. नाउ अब क्या होगा, धीरे धीरे ये जो पानी गर्म हुआ, जो ओशन का सरफेस वाला वाटर है, ये गर्म हुआ, उस गर्म होने की वजह से उसके पास हीट आ गई. और विंड अगर ब्लो होगी तो वेव्स बनना शुरू हो जाएगी. आपका पानी गर्म हो चुका है, नाउ विंड हो चुकी है, विंड बन रही है. विंड के होने से, विंड के मूवमेंट से आप देखेंगे कि धीरे धीरे वेव्स ओशन में उठना शुरू हो जाएगी. नाउ जब ये वेव्स ओशन में उठना शुरू होगी, तब हम कहेंगे कि जो ऊपर सरफेस का पानी है, जो गर्म पानी है सरफेस का, वह पानी धीरे धीरे मिक्सअप होने लगेगा नीचे के पानी से, क्योंकि मूवमेंट हो रहा है पानी में. आपने देखा कि एक आपने एक पानी गर्म करके रख दिया, अब आप उसके ऊपर ठंडा पानी डाल के उसको मूवमेंट करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है मिक्सिंग होगी. हम जब पानी को मिक्स करते हैं तो उसको शेक किया जाता है. ओके, सो इन द सेम वे ओशन में जो ऊपर का गर्म पानी है, जो ऊपर के गर्म पानी की लेयर है, कुछ इस तरह से दिखाई देगा ये. नीचे यहाँ पे ओशन में ठंडा पानी है, एंड इसके ऊपर दिस इज द हॉट वाटर, दिस इज द हॉट वाटर. अब अगर यहां से इस डायरेक्शन में विंड्स मूव करेगी, तो विंड के मूवमेंट से क्या होगा, इस पानी में ऐसा वेव्स बनेगी. और ये वेव बनने की वजह से दिस हॉट वाटर विल गेट मिक्स टू दिस कोल्ड वाटर. सो दिस इज दी कोल्ड वाटर एंड दिस इज द हॉट वाटर, कुछ इस तरह से ये फिनोमिना होगा. नाउ हमने सोलर एनर्जी में कहा था कि जितना बड़ा एरिया होगा उतना ज्यादा सोलर एनर्जी कलेक्ट होगी. जितना ज्यादा समय के लिए वह एरिया सन में एक्सपोज रहेगा, उतनी ज्यादा सोलर एनर्जी कन्वर्ट होगी, उतनी ज्यादा सोलर एनर्जी कलेक्ट होगी. अगर आप ओशंस को देखें, तो ट्रॉपिकल रीजन पे जो वाटर बॉडीज हैं वो कॉन्स्टेंटली 10 से 12 घंटे, 15 घंटे के लिए सन के सामने रहती हैं. ओके, सन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहती हैं. सो डायरेक्टली सनरेज वहां पे आती हैं, तो कंटिन्यूअसली वो बहुत सारी हीट एब्जॉर्ब करती हैं. और उनका एरिया भी बहुत बड़ा होता है, ट्रॉपिकल रीजन बहुत बड़ा है. ट्रॉपिकल मीन्स इक्वेटर के पास का जो भी वाटर बॉडीज है, हम सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं, हम लैंड की बात नहीं कर रहे. वी आर टॉकिंग अबाउट द वाटर बॉडीज. सो वाटर बॉडी बहुत ज्यादा एरिया में है. ओके, कंटिन्यूअसली सन की एनर्जी को
कलेक्ट कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है. सो दिस कलेक्शन विल गिव राइज टू द ओशन थर्मल एनर्जी एंड फॉर अ फैक्ट यू कैन से द सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल वाटर बॉडीज इन वन डे इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी रिलीज्ड बाय बर्निंग टू फोर्टी फाइव बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि एक दिन में जो ट्रॉपिकल वाटर बॉडीज हैं, एक दिन में जितनी सन एनर्जी वो एब्जॉर्ब करती हैं, उतनी एनर्जी इक्विवेलेंट है, उतनी एनर्जी बराबर है किसके, 245 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल. अगर आप 245 बिलियन बैरल क्रूड ऑयल या पेट्रोल को जलाएंगे तो उसके जलाने से जो एनर्जी फॉर्म होगी उतनी एनर्जी ये वाटर बॉडीज एक दिन में एब्जॉर्ब कर लेती हैं. सो आप सोचिए कितना ज्यादा अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी इन ओशंस में, इन वाटर बॉडीज में ट्रैप्ड है, ये अभी भी उनमें कैद है. तो हमने ये सोचा कि क्यों ना इसे ही यूज किया जाए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए. देखिए हमारा अल्टीमेट एम तो इलेक्ट्रिसिटी बनाना ही रहेगा, वह एम कभी नहीं बदलने वाला. इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए टर्बाइन घुमाना पड़ेगा, टर्बाइन घुमाने के लिए आपको कोई ना कोई फोर्स चाहिएगा. तो या तो वो पानी के फोर्स से करें, या स्टीम के फोर्स से करें, या कोई और सब्सटेंस के फोर्स से करें. तो इसी तरह से अलग अलग तरह के जो सब्सटेंस हैं उनको हम यूज करके ऐसा फोर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं जो टर्बाइन को घुमा सके, क्योंकि टर्बाइन से ही घुमाने से आप जनरेटर घुमा पाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं. सो ये जो थर्मल एनर्जी इन वाटर बॉडीज के पास कलेक्टेड है, क्या हम इन्हें यूज कर सकते हैं? हाँ. अब इन्हें यूज करने के लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि इनकी प्रॉपर्टी क्या है, ये कहाँ पे है, ये किस तरह से है. तो साइंटिस्ट ने रिसर्च किया और रिसर्च करके ये पाया कि अप टू अ डेप्थ ऑफ 100 meters, water is warm enough. Water is warm enough, and after that, it is cold. अप टू अ डेप्थ ऑफ 100 मीटर मतलब एक ओशन में सरफेस से 100 मीटर्स तक की गहराई तक पानी गर्म रहता है, और उसके नीचे फिर पानी काफी ज्यादा ठंडा हो जाता है. तो इसी तरह से हम कहते हैं कि ओशन बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दो टुकड़ों में डिवाइडेड है ओशन का पानी. द फर्स्ट इज कोल्ड वाटर, डीप इनसाइड द ओशन देर इज कोल्ड वाटर, लॉट्स ऑफ कोल्ड वाटर. और इस कोल्ड वाटर का मतलब एक्चुअल में दिस पानी इज वेरी कोल्ड, दिस वाटर इज वेरी वेरी कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंडा होता है. और इसके सरफेस पे जैसे ही हम आते हैं तो ऑलमोस्ट 100 मीटर्स तक यू विल फाइंड कि आपको पानी गर्म मिलता है, लगभग इतना सरफेस पे. नाउ दिस टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन दीज टू लेयर्स ऑफ वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओशन थर्मल एनर्जी, और जो कि हम एक्सट्रैक्ट करते हैं. नाउ इफ वी आर एक्सट्रैक्टिंग दिस एनर्जी फ्रॉम दिस काइंड ऑफ लेयर्स ऑफ ओशन, देन वी विल कॉल दिस एज, हम इसे कहेंगे ओशन थर्मल एनर्जी
कन्वर्जन, ओटीईसी इसे हम कहेंगे, ओटीईसी दैट इज ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन का मतलब है कि हम ओशन की थर्मल एनर्जी यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज ओटीईसी। और जिस इंस्ट्रूमेंट से, जिस डिवाइस से, या कहें जिस मशीन से हम ये कन्वर्जन करते हैं, ओटीईसी करते हैं, दैट मशीन इज नोन एज ओटीईसी पावर प्लांट। ओटीईसी पावर प्लांट, ओटीईसी पावर प्लांट में हम इस एनर्जी को यूज करके और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। सो इसे पहले नोट कर लीजिए, देन वी विल स्टडी हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग दिस। Now we will study the OTEC power plant, Ocean Thermal Energy Conversion power plant. ये power plant कुछ इस तरह से होता है। सबसे पहले हम ocean का water बनाते हैं। This is ocean, ये ocean का cold water है और इसके जस्ट ऊपर होता है हॉट वाटर। लगभग इतना सरफेस इज हॉट वाटर। तो कुछ इस तरह से दो लेयर्स ओशन में होती हैं। नाउ हाउ वी विल यूज, हाउ विल यूज दिस लेयर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। सो आई विल से द टेम्परेचर डिफरेंस between two layers is used to produce electricity. हम basically इस ocean की दो layers का temperature difference use करेंगे electricity produce करने के लिए। और commonly ये देखा जाता है, generally the temperature difference is 10 to 30 degree centigrade. मतलब इन दोनों layers के बीच में 10 से 30 degree centigrade तक का temperature difference होता है और इस temperature difference को हम use कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा किस तरह से use किया गया। हमने एक turbine इस तरह से fit करा, कुछ इस तरह का एक टर्बाइन फिट किया गया। इस टर्बाइन से एक पाइप इस तरह से निकाली, देन सेकेंड पाइप कुछ इस तरह से निकाली। लाइक दिस, एंड देन इस टर्बाइन से कनेक्ट कर दिया एक जनरेटर। इस तरह से एक जनरेटर कनेक्ट कर दिया। हमने क्या करा, हमने एक टर्बाइन को इस तरह से क्लोज्ड लूप में रखा, एक क्लोज्ड लूप बोलेंगे इसे। यहां से देखिए टर्बाइन के अंदर यहां से पाइप एंटर हो रही है और यहां से निकल रही है, और फिर वापस से अगर घूम के आए तो वापस से पाइप अंदर ही एंटर हो रही है। ये पाइप किसी भी तरफ से खुली हुई नहीं है, ओके। एक क्लोज पाइप का ऐसा लूप है, उस लूप में आपने एक टर्बाइन यहां पे फिट कर दिया। नाउ उसके बाद हमने इस लिक्विड में, इस पाइप के अंदर, इस पाइप के अंदर हमने भर दिया लिक्विड अमोनिया, लिक्विड NH3 हमने इस पाइप के अंदर, इस ट्यूब के अंदर फिल कर दिया। नाउ अब लिक्विड अमोनिया ही क्यों लिया, इसका रीजन ये है, हम ऐसे लिक्विड्स लेना चाहते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम हो।
जो कि बहुत आसानी से बॉयल हो जाए, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़े और आसानी से बॉयल हो जाए. सो वी विल यूज लिक्विड्स. Which has low boiling point. Liquids का क्या है? Boiling point कम है. तो क्या होगा? कम temperature पे अगर ये liquid ammonia है, इसका थोड़ा सा आपने temperature बढ़ाया and it will convert to gas. और ये suddenly gas में convert हो जाएगी. So, for example, you can use NH3. दैट इज अमोनिया, या फिर आप इसकी जगह प्रोपेन भी यूज कर सकते हैं. NH3 और प्रोपेन. प्रोपेन का भी बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, बहुत कम टेम्परेचर पे वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है. सो इसीलिए यहां पे हम लिक्विड प्रोपेन या लिक्विड NH3 दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं. नाउ अब बेसिकली इस डायग्राम को देख के अगर हम इंफ्रेंस निकालें कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, तो आप ये देखेंगे कि इस ट्यूब का कुछ पार्ट हॉट लेयर में है, जो पानी की हॉट लेयर है, कुछ पार्ट उस हॉट लेयर में है और कुछ पार्ट कोल्ड वाटर में है. सिमिलरली यहां पे भी कुछ पार्ट हॉट वाटर में है, कुछ पार्ट कोल्ड वाटर में है. ऐसा क्यों है, इसका हम रीजन समझते हैं. देखिए, जो कोल्ड वाटर है इसका टेम्परेचर कम है, कोल्ड वाटर का टेम्परेचर कम है. तो जब मेरा अमोनिया इस ट्यूब में होगा, यहां पे होगा, जो ट्यूब का पार्ट कोल्ड वाटर में इमर्ज्ड है उस पार्ट में होगा अमोनिया, देन क्या होगा, तब यहां पे अमोनिया लिक्विड फॉर्म में होगा, लिक्विड स्टेट में आपको मिलेगा. और जब अमोनिया इस वाली ट्यूब में होगा, इस पोर्शन में होगा जो कि कोल्ड वाटर में नहीं है, हॉट वाटर में आ रही है. सो हॉट वाटर में जो पार्ट आ रहा है उसमें अगर अमोनिया होगा तो क्या होगा, दैट अमोनिया विल गेट कन्वर्टेड टू गैस. That ammonia will convert it to gas because इसका temperature, इसका boiling point बहुत ही कम होता है, तो आसानी से ये gas में convert हो जाएगा. तो हमने क्या करा, हमने कुछ एक इस तरह से arrangement बनाया. हमने एक पाइप ली, एक ट्यूब लिया, उस ट्यूब को इस वाली ट्यूब से चिपका दिया. ओके, जस्ट कनेक्ट कर दिया, इसे चिपका दिया, बिल्कुल इसके अंदर नहीं डाला, जस्ट इससे ऐसे चिपका दिया. और यहां पे एक पंप लगाया जो कि कोल्ड वाटर में लाए कर रहा है. दिस पंप इज इन कोल्ड वाटर. ये बिल्कुल जमीन के बहुत अंदर है, पानी के बहुत अंदर है और ये कोल्ड वाटर वाले रीजन में लाए करता है. और इस पंप से कोल्ड वाटर को, जो ठंडा पानी है, उसे इस तरह से ऊपर की तरफ फेंका और यहां पे फेंक के वापस इस ट्यूब से बाहर निकाल दिया. एंड दिस पोर्शन, जो ये हमने रीजन बनाया, दिस रीजन जहां पे दोनों पाइप्स एक दूसरे को टच कर रही हैं, यहां पे सिर्फ टचिंग हो रही है इस तरह से, ठीक है, ये इंसर्ट नहीं हुई है, तो इस पॉइंट पे जो रीजन है, दिस रीजन, इसको हमने नाम दिया हीट एक्सचेंजर. This is known as heat exchanger. And similarly, यहां पे हमने एक और ट्यूब बनाया. और पंप उस केस में यहां पे लगाया. यहां पे एक पंप लगाया और पंप से इस हॉट वाटर को पंप किया इसके अंदर. तो हॉट वाटर क्या हुआ, इसके अंदर पंप हुआ, इट इज मूविंग लाइक दिस, इस तरह से, और हॉट वाटर निकल के नीचे आ गया. तो हमने दो पंप लगाए, एक पंप जो है वो कोल्ड वाटर रीजन में है, एक पंप जो है वो हॉट वाटर रीजन में है. हॉट वाटर रीजन वाला पंप इस तरह से कनेक्टेड है और जहां पे ये इस पाइप को टच कर रहा है, दिस रीजन इज ऑल्सो नोन एज हीट एक्सचेंजर. इस रीजन को भी हम हीट एक्सचेंजर बोल सकते हैं. दिस इज द टर्बाइन, दिस इज जनरेटर एंड दिस इज जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. नाउ व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, देखिए, जब अमोनिया
अमोनिया यहाँ पे भरी हुई है, जब ये लिक्विड अमोनिया यहाँ पे है तब क्या हो रहा है, तब ये कोल्ड रीजन में है एंड इट इज़ बेसिकली इन लिक्विड स्टेट। सो लिक्विड स्टेट में है तो हमारे ये किसी काम की नहीं है। मैंने क्या करा, मैंने इस ट्यूब में इस अमोनिया को पंप किया, आगे की तरफ पंप किया, ताकि ये अमोनिया यहाँ से मूव करते हुए यहाँ पे जाए, ऐसा ऊपर की तरफ मूव करे। जब लिक्विड अमोनिया इस पोर्शन से ऐसा निकल के यहाँ पहुँचेगा इस हीट एक्सचेंजर के पास, देन यू विल फाइंड कि आपने इस पंप से हॉट वाटर पंप किया है इस तरह से, तो हॉट वाटर क्या करेगा, हॉट वाटर अपनी हीट लेके इस रीजन से पास होगा और इस रीजन को भी गर्म कर देगा, इस रीजन को हॉट कर देगा। और जैसे ही अमोनिया यहाँ से पास होगी, अमोनिया क्या करेगी, अमोनिया उस लिक्विड, उस हॉट वाटर की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगी। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज हीट एक्सचेंजर, बिकॉज हीट एक्सचेंज हो रही है, हॉट वाटर की हीट यहाँ पे अमोनिया को मिल रही है, एक पाइप ऐसी जा रही है, एक पाइप ऐसी जा रही है, तो इस पाइप में गर्म पानी है, इसमें ठंडा पानी है। जब आप इन दोनों को चिपका दोगे तो क्या होगा, जो गर्म पानी है वो धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा और जो ठंडा पानी है वो धीरे धीरे थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। तो सेम फिनोमेना यहाँ पे देखने को मिलेगा, अमोनिया जो कि यहाँ पे लिक्विड स्टेट में थी, उसे जब आपने ऐसा पास किया तो उसने इस पंप से हॉट वाटर की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया और इट गेट्स कन्वर्टेड टू गैस। और जैसे ही ये अमोनिया गैस में कन्वर्ट हुई, ये आसानी से ऊपर की तरफ राइज हो जाएगी, राइज होकर इधर मूव करेगी, एंड दिस अमोनिया गैस विल ड्राइव दिस टर्बाइन। तो हमने टर्बाइन को ड्राइव कैसे करा, हमने टर्बाइन को ड्राइव करा यूजिंग अमोनिया गैस। अमोनिया लिक्विड फॉर्म में टर्बाइन को ज्यादा ड्राइव नहीं कर पाएगा, तो फिर कौन करेगा, अमोनिया गैस करेगी। व्हाई, बिकॉज गैस में ज्यादा एनर्जी है। ओके, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, अमोनिया गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है कंपेयर टू लिक्विड अमोनिया, इसीलिए हमने अमोनिया को लिक्विड फॉर्म से यहां पे गैस में कन्वर्ट किया, गैस में कन्वर्ट हो गई। नाउ अब ये अमोनिया धीरे धीरे मूव करी यहां से लिक्विड से गैस, गैस से टर्बाइन को रन किया। जब लिक्विड अमोनिया टर्बाइन से स्ट्राइक करेगी तो अपनी काइनेटिक एनर्जी को टर्बाइन को ट्रांसफर कर देगी और टर्बाइन मूव करने लगेगा। टर्बाइन मूव करेगा सो दिस जनरेटर विल ऑल्सो स्टार्ट मूविंग। अब जनरेटर मूव करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी, लेकिन उस अमोनिया का क्या हुआ, तो हम कहेंगे कि जब अमोनिया गैस यहाँ पे एंटर हुई, टर्बाइन से स्ट्राइक करी, तो उसने अपनी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी टर्बाइन को ट्रांसफर कर दी एंड अगेन इट गेट्स कन्वर्टेड टू ड्रॉपलेट्स, वो वापस से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने लग गई बिकॉज उसकी एनर्जी चली गई। आप देखते हैं कि आपने लेट से पानी गर्म किया तो स्टीम उसकी जो बनती है, स्टीम फॉर्म हो रही है, आपने अगर ऊपर कुछ उसके बैरिकेड लगा दिया या ऊपर कुछ ऐसा जो कवरिंग लगा दी, तो क्या होगा, स्टीम उस कवरिंग से टकराती है और आप देखते हैं कि वहां पे वाटर ड्रॉपलेट्स जमा हो जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज जब स्टीम के मॉलिक्यूल्स आके उस सरफेस से टकराएंगे तो वो अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज कर देंगे, लूज करने से क्या होगा, उनकी एनर्जी डाउन हो जाएगी और वापस से वो गैस मॉलिक्यूल्स विल गेट कन्वर्टेड टू लिक्विड फॉर्म। सो उसी तरह से यहाँ पे अमोनिया यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में हो गई और धीरे धीरे यहां से ट्रांसफर होने लगी। नाउ अभी भी जो अमोनिया इधर से ऐसी ट्रांसफर हो रही है, दिस अमोनिया हैव सम टेम्परेचर, इसका कुछ टेम्परेचर है। ओके, काफी ज्यादा टेम्परेचर रहता है। नाउ फिर जैसे ही ये इस रीजन में आएगी, इस रीजन में हमने क्या करा, हमने नीचे का कोल्ड वाटर ऊपर की तरफ पंप किया। पंप करने से क्या होगा, ये जो लिक्विड है, ये जो वाटर है, ये यहाँ पे इस पाइप से टच किया हुआ है, दिस इज अगेन अ हीट एक्सचेंजर, तो यहाँ पे क्या होगा, ये पानी ठंडा है, अमोनिया गर्म है, तो अमोनिया के पास जो भी बची कुची हीट एनर्जी है वह सभी एनर्जी किसको ट्रांसफर हो जाएगी, वह सभी एनर्जी इस पाइप में आने वाले वाटर को ट्रांसफर हो जाएगी। उससे क्या होगा, उससे अमोनिया और ज्यादा ठंडी हो जाएगी और प्रॉपरली पूरी तरह से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। जब अमोनिया लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुई तो वापस से क्या होगा, इधर आएगी और इधर से मैं वापस से उसे पंप करूंगा, पंप करके वापस ऊपर जाएगी, वापस से गर्म होगी, फिर टर्बाइन ड्राइव करेगी, फिर वापस से इधर आके वापस से इधर से हीट एक्सचेंज करेगी एंड अगेन लिक्विड। तो ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलती रहेगी और इस साइकिल के चलने से दिस टर्बाइन विल कंटिन्यूअसली रोटेट, ये कंटिन्यूअसली मूव करता रहेगा
और अगर ये कंटिन्यूअसली मूव करेगा देन व्हाट यू विल फाइंड कि कंटिन्यूअसली यहाँ पे जनरेटर से एनर्जी फॉर्म होती रही है। तो हमने क्या करा, हमने बेसिकली इस टेम्परेचर को यूज किया, हीट एनर्जी यूज करी इस हॉट रीजन की, किसके लिए, अमोनिया को कन्वर्ट करने में, अमोनिया को लिक्विड स्टेट से गैशियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए दिस एनर्जी इज यूज्ड। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर हम इस तरह का ओशन थर्मल एनर्जी यूज कर रहे हैं तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं? द वेरी फर्स्ट एडवांटेजेस, पॉल्यूशन फ्री। इसमें किसी प्रकार का पॉल्यूशन हो रहा है क्या? हम कहेंगे नहीं, किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं हो रहा। सेकेंड एडवांटेजेस, रिन्यूएबल सोर्स। सेकेंड एडवांटेजेस रिन्यूएबल सोर्स की, रिन्यूएबल है, आप इसे बार बार यूज कर सकते हैं। जो ओशन थर्मल एनर्जी है, आपने क्या करा, आपने सिर्फ वाटर की हीट को यूज किया और यहां पे आपने सिर्फ अमोनिया के बॉइलिंग पॉइंट कम होने की प्रॉपर्टी को यूज किया। क्या यहां से कोई अमोनिया बाहर निकली? हम कहेंगे नो। क्या कोई अमोनिया अंदर आई? हम कहेंगे नो। मतलब जितनी अमोनिया आपने इसके अंदर भरी है दैट विल गो ऑन इन द साइकिल, वो कंटिन्यूसली एक साइकिल में चलती रहेगी, वो कभी भी यूज नहीं होगी। ओके, वो कभी भी खत्म नहीं होगी। हाँ, लीक हो रहा है तब अलग बात है। ओके, सो दिस काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज ओटीईसी पावर प्लांट। इसे हम ओटीईसी पावर प्लांट कहते हैं। दिखने में ये बहुत छोटा दिख रहा है बिकॉज डायग्राम हमने बनाया है, लेकिन एक्चुअल में ऐसे हंड्रेड्स ऑफ टर्बाइन्स एक लाइन से लगा दिए जाते हैं, और हंड्रेड्स ऑफ टर्बाइन जब एक लाइन से लगते हैं तो इस तरह का जो पावर प्लांट है ये बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। ओके, सो एडवांटेज क्या था, पॉल्यूशन फ्री है और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। देन सबसे अच्छा एडवांटेज, इट ट्रांसफर्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ऑफ डीप सी टू अपर रीजन। दिस इज ऑल्सो अ वेरी बिग एडवांटेज। ये एडवांटेज कहता है कि आपने जो नीचे पंप लगाया है इस कोल्ड वाटर में, इस पंप में क्या हो रहा है, ये पंप कोल्ड पानी को, कोल्ड वाटर को ऊपर की तरफ फेंक रहा है। ना मिनरल्स जो होते हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं, या बहुत सारे ऐसे केमिकल कंपाउंड्स जो कि एसेंशियल हैं किसी लिविंग बींग के लिए, एसेंशियल हैं। जैसे वाटर में क्या है, वाटर में फिशेज हैं और दूसरे इंसेक्ट्स हैं और प्लांट्स हैं, इन सभी को क्या है, ये सभी लिविंग कैसे हैं, ये सभी उस वाटर का जो मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको यूज करके दे आर लिविंग, वो जिंदा है। सो क्योंकि ये मिनरल्स और मॉलिक्यूल्स जो हैं, ये सभी बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही हैवी मॉलिक्यूल्स हैं, मिनरल्स हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए, और ये न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स ये अर्थ के, ये इस ओशन के बॉटम में डिपॉजिटेड हैं, ये नीचे जाके जम गए हैं। तो इसीलिए अगर हम ऐसा पंप डालेंगे तो क्या होगा, दिस पंप विल ऑल्सो सक दिस न्यूट्रिएंट्स एंड पंप इट अपवर्ड्स। तो यहां से जब ये पंप सक करेगा और ऐसा पानी फेंकेगा तो ये कोल्ड वाटर के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स भी ऊपर आके इस वाटर में मिक्स होने लगेंगे। उससे क्या होगा, उससे यह होगा कि यहाँ पे जो लिविंग बींग्स हैं, दे कैन यूज दैट मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स। सो दिस इज अ गुड एडवांटेज। तो यहां से एक तरह से दो काम हमारे हो रहे हैं। फर्स्ट चीज, हम इस मैराइन लाइफ को, इस पानी में जो मैराइन लाइफ है उस लाइफ को एक एडवांटेज पहुंचा रहे हैं। ओके, वी आर हेल्पिंग देम टू गेट फूड। और दूसरी चीज, हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर रहे हैं। सो दीज आर द थ्री बेसिक एडवांटेजेस जो इस ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन में हमें मिलते हैं। बट एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। सबसे पहला डिसएडवांटेज है, द फर्स्ट डिसएडवांटेज इज लो एफिशिएंसी। सबसे पहला डिसएडवांटेज कि इसकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है। रीजन इज, आपने ये पंप चलाया, ये पंप कैसे चलेगा, ये पंप चलाने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी का सहारा लेना पड़ेगा। आपने इस पंप को चलाया, अगेन दिस पंप ऑल्सो रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी,
और यहाँ से आउटपुट आया, इधर से आउटपुट आया, तो जो टोटल आउटपुट हमें यहां से मिलता है उसकी लगभग, ऐसा कैलकुलेशन करके बताया गया कि लगभग 1/3 ऑफ एनर्जी जो होती है, 1/3 ऑफ एनर्जी इज यूज्ड टू ड्राइव दीज टू पंप्स। सो वी विल से 1/3 ऑफ टोटल आउटपुट एनर्जी इज यूज्ड टू ड्राइव द पंप्स। इन पंप्स को चलाने के लिए आपको ऑलमोस्ट 1/3 एनर्जी तो यूज करनी पड़ती है। नाउ अब ये जो ओशन थर्मल एनर्जी प्लांट्स होते हैं, ये प्लांट्स सी मतलब ओशन में लैंड से बहुत दूर होते हैं, काफी दूर होते हैं, लगभग समुद्र के बीच में लगा देते हैं, या समुद्र से करीब करीब 1 किलोमीटर दूर या 2 किलोमीटर दूर, लैंड से 1 किलोमीटर दूर ये प्लांट्स को लगा देते हैं। अब वहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म हुई उसे ट्रांसमिशन करने में ही बहुत महंगा पड़ता है। क्यों? क्योंकि ट्रांसमिशन करने के लिए आपको तार लगाने पड़ते हैं, आपको तार बिछाना पड़ेगा, आपको पिलर पोल लगाना पड़ेगा। ये सारी चीजों के बाद भी जब आप लॉन्ग डिस्टेंस में इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करेंगे देन यू विल फाइंड लॉसेस। वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट के फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी लूज हो गई। तो जो एनर्जी बनी थी उसमें 1/3 तो पहले ही चली गई, और जो बची हुई थी उसमें ट्रांसमिशन के केस में लॉसेस हो गए। सो वी विल से दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, लॉसेस, या फिर ऐसा कहें ट्रांसमिशन लॉसेस। जब आप इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करते हैं देन यू विल फाइंड लॉसेस। एंड द थर्ड इज हाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट। इसे इंस्टॉल करना अपने आप में बहुत कॉस्टली है, बिकॉज आप देख सकते हैं यहां पे जो पंप है ये जमीन के काफी अंदर है, ये पानी में बहुत नीचे तक चला गया है, तो इतना नीचे पंप को डालने के लिए आपको काफी ज्यादा कॉस्ट लगेगा। ऐसा पंप चाहिएगा जो ड्यूरेबल हो, जो कई सालों तक चलता रहे। सो इसीलिए यहां पे ये प्रॉब्लम आती है। अगला डिसएडवांटेज, ट्रॉपिकल रीजन्स में ऐसा तो नहीं है कि बारिश नहीं होती, वहां पे भी बारिश होती है। वहां पे बारिश होगी, वहां पे ठंड का मौसम भी आएगा, वहां पे ऐसा भी हो सकता है कि सनलाइट जो है वो कम आए बिकॉज ऑफ क्लाउड्स। क्लाउड्स होंगे तो वहां पे सन की एनर्जी कम पहुंचेगी, कम पहुंचेगी तो इस ओशन में जो एनर्जी एब्जॉर्ब की है वो एनर्जी भी कम हो जाएगी। और अगर डिफरेंस 10 to 30 डिग्री नहीं रहा, मान लीजिए कि ये डिफरेंस इससे कम हो गया, जैसे कि 5 डिग्री डिफरेंस हो गया, कि ज्यादा धूप नहीं निकली, ज्यादा धूप नहीं निकली तो ये ज्यादा गर्म ही नहीं हुआ, तो उस केस में आप इस तरह के प्लांट को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें डिफरेंस चाहिए, बिकॉज हमने क्या करा है, हमने अमोनिया अंदर डाली और अमोनिया को यूज किया है। तो इस तरह से अमोनिया की साइकिल बनाना, इस तरह की मशीनरी इज वेरी वेरी कॉस्टली। तो दिस इज नॉट एन ईजी टास्क। हेंस ओशन थर्मल एनर्जी यूज जरूर होती है, बट हर जगह यूज नहीं होती, कुछ सिलेक्टेड जगह ही यूज होती है। सो यू कैन नोट दिस।